आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया और कहा कि गहलोत सरकार ने गैर संवैधानिक रूप से उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। आगरा के आजाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल कर्दम जिला मुख्यालय पहुंचे और महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि तकरीबन 28,000 कर्मचारी जिन्हें कोरोना महामारी के दौरान कार्य कराने के समय नियमित कराने का वादा किया था, जिसके बाद आजाद समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब उन्हें कांग्रेस यानी गहलोत सरकार अब उन्हें हटाने का काम कर रही है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भीम आर्मी के आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचे थे। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। जब कर्मचारियों की समस्याओं को सुना तो उनकी मांग को समर्थन में चंद्रशेखर आजाद 2 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से धरने में शामिल होने गए। कांग्रेस सरकार होटल से उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांग्रेस सरकार ने गैर संवैधानिक रूप से उन्हें हिरासत में लिया। हम उनकी रिहाई की मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। ये आज इस संबंध में हमारा यहाँ आना हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी को जयपुर में कांग्रेस सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण वहाँ पर जो प्रोटेक्शन जो आंदोलन चल रहा था कोविड पीरियड में जो कर्मचारी उन्होंने सेवाएं स्वास्थ्य विभाग में दी थी उनको सरकार ने नियमित करने का वादा किया था कि हम आपको नियमित कराएंगे, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई। तो उन लोगों का आंदोलन था जयपुर में, भाई को उन्होंने इसकी सूचना दी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी वहाँ उनके आंदोलन में गए तो वहाँ पर भाई को कल गिरफ्तार कर लिया सरकार ने और जेल भेज दिया। इसी के संबंध में महामना राष्ट्रपति जी को हमारी पार्टी के द्वारा पूरे देश में 24 स्टेटों में प्रत्येक मुख्यालय पर आज ये धरना प्रदर्शन और ये ज्ञापन दिया गया और अपनी आवाज़ को राष्ट्रपति तक पहुँचाने का काम किया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।